पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, भारत के साथ क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान अच्छे हमसाये के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। भारत कश्मीरियों को इस्तेस्वाब राय का हक दे तो अम मुमकिन है। भारत अगर मकबूजा कश्मीर का मामला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करे तो हमारा कोई झगड़ा नहीं। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त। शाहीनों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में तारीख बदल दी। भारतीय सुरमाओं को 10 विकेटों से पिछाड़ दिया। 152 रन का हदफ 18 ओवर में बासानी हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। पाकिस्तानी ओपनर्स की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, चौके और छक्के लगाकर बाजी पलट दी। रिजवान ने 79 और कप्तान बाबर आजम ने 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी के 3 शिकार मैन ऑफ द मैच करार। हसन अली के 2, हारिस राउफ और शादाब खान की 1-1 विकेट। शाहीन शाह की बॉलिंग से एतमाद बढ़ा। कामयाबी पूरी टीम का क्रेडिट है। अगले मैचेस में 100% कारकर्दगी दिखाएंगे, जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म, पाकिस्तानी बॉलर्स और बल्लेबाजों ने शानदार खेल पेश किया। भारतीय कप्तान विराट कोहली भी तारीफ करने पर मजबूर। मोहम्मद रिजवान का दिलकश कैच, दूर जाती गेंद को डाइव लगाकर दबोच लिया। पाकिस्तानी विकेट कीपर ने T20 क्रिकेट में कैचेस की सेंचुरी बना डाली। कौमी हीरो ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान नमाज भी अदा की। तारीखी जीत पर तारीखी जश्न, मुल्क भर में खुशी की लहर। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सभी खुशी से निहाल। बैरून मुल्क भी पाकिस्तानियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीरियों का दिल खोलकर पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। हैरान परेशान करोड़ों फैंस के सामने पशेमान। कोहली के चेहरे पर हवाइयां, कभी नाखून चबाते तो कभी खराब में यूं ही घूरते रहे। मैच खत्म होने के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा भी किया, रिजवान को गले से लगाया। रिलैक्स रहें, शोएब अख्तर का भारतीय खिलाड़ियों को शिकस्त बर्दाश्त करने का मशवरा। क्रेडिट टू पाकिस्तान, हमें मुंह की खानी पड़ी। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का एतराफ। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न ने पाकिस्तान को फेवरेट टीम करार दिया। भारत को हराना वर्ल्ड कप जीतने से भी बड़ी खुशखबरी। बस चलता तो आज आम तातील का ऐलान करता। शेख रशीद की ख्वाहिश भारत के साथ आम मैच नहीं, क्रिकेट प्लस था। 29 साल बाद कौम को खुशी का दिन देखना नसीब हुआ। वजीर दाखला को मैच के 4.5 लाख रुपए के टिकट जाया होने का दुख। साथ ही कह दिया कि उनके नजदीक फाइनल हो गया। भारतीय टीम को शिकस्त के बाद कश्मीर में जश्न। मोदी सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए, फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर इत्तला कहते हैं, आलमी बरादरी को शिद्दत पसंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तानी टीम की जीत पर भारत के खिलाफ कल रेफरेंडम कर दिया। भारत ने शिकस्त का गुस्सा कश्मीरियों पर निकाल डाला। इंतहाब पसंद भारतीयों का कॉलेज के हॉस्टल्स में रहने वाले कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद। कठपुतली पुलिस फोर्सेस ने शिकायत के बावजूद कोई केस दर्ज नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 राउंड आज शाम 7 बजे अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबले होंगे। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। तमाम स्टे ऑर्डर्स खत्म, तजावुजात गिराए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। औरंगी और गुजर नाले को क्लियर कराने की हिदायत। कराची को ऑपरेटिव सोसाइटी में पार्क अराजी पर कब्जा खत्म करा के बहाल करने की हिदायत।
कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम से पेशा रिपोर्ट तलब। जियाउद्दीन हस्पताल क्लिफ्टन पार्किंग केस में चीफ जस्टिस डीजी के डीए पर बरहम। गुलिस्तान जौहर से नाजिमाबाद तक तजावुजात की भरमार। क्या दफातर में सिर्फ चाय ही पीने आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कराची का नसला टावर एक हफ्ते में गिराने का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। अभी तक टावर क्यों नहीं गिराया गया, क्या है थोड़ी चेनी से गिराएंगे, चीफ जस्टिस बरहम। इमारत की बिजली और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनकता करने का हुक्म। किसी किस्म का कोई रियायत नहीं मिलेगा। कमिश्नर कराची मलबा उठाने का काम शुरू करें। तमाम अखराजात टावर के मालिक से लिए जाएंगे। वो अखराजात ना दे तो उसकी जायदाद जब्त कर ली जाए।